एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ा धमाका करते हुए राजस्थान की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। बिग ब्रेकिंग, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत गिरफ्तार किए गए। जयपुर एसीबी ने कांग्रेस नेता गोपाल केसावत को रंगे हाथों पकड़ा। पूर्व मंत्री गोपाल केसावत 18.5 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। ईओ परीक्षा में पास कराने के बदले में ये रकम मांगी गई थी। रिश्वत लेते हुए पूर्व मंत्री जी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक गोपाल केसावत को ट्रैप करने के लिए कार्रवाई 2 दिनों से चल रही थी। इस कार्रवाई में एसीबी ने केसावत के अलावा 3 अन्य अधिकार लोगों को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एसीबी ने आरोपी अनिल कुमार, धीरेन्द्र और ब्रह्म प्रकाश शर्मा को घूस देते हुए पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद एसीबी ने जाल फैलाते हुए 15 जुलाई को जयपुर में गोपाल केसावत को 18.5 लाख रुपए में से अपने हिस्से के 7.5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। श्री गोपाल जिनको आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है 18 लाख रुपए लेते हुए, वो अकेला व्यक्ति नहीं है, इस गिरोह में बहुत शामिल है और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सरकार और कांग्रेस पार्टी इसमें सम्मिलित है।